नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, बनारस से मैंने क्या क्या ख़रीदा है उसी के ऊपर ये हमारा वीडियो है, इसे ब्लॉग ही बोल सकते हैं आप। तो इसमें ही जो जो मैंने ख़रीदा है बनारस से, वही जो है यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग कई बार मुझे बोल रहे हैं कि दादा आपने क्या क्या ख़रीदा है, कुछ ख़रीदारी आदि किए भी नहीं है कि नहीं आपने बनारस से, और आप तो धुनुची आदि ये सब कुछ ज़रूर ख़रीदेंगे क्योंकि आप गए हैं वहाँ पर और वहाँ पर इसका प्रचलन भी है, तो आपने ख़रीदा तो ज़रूर होगा। तो हाँ, ख़रीदा तो है, पर हाँ धुनुची मैंने जो है उतना नहीं ख़रीदा है, पर दीपक इस बार मैंने बहुत ख़रीदा है क्योंकि बहुत ही खास वाले कुछ दीपक मुझे मिल गए, विशेष वाले। और बाकी कुछ खास ख़रीदारी मैंने की है ऐसा नहीं है, तो आप एक एक करके देखते जाइए, आपको खुद ही पता चलता जाएगा। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने सबसे पहले ख़रीदा था वो है ये देखिए, वृष घंटी। ये जो है ना शिव जी की पूजा के लिए जो वृष घंटी होते हैं, नंदी घंटी एक्चुअली, वृष घंटी एक्चुअली ये वृष होता है, मतलब भगवान नंदी जो है वृष वाहन होते हैं ना भगवान शिव, तो वृष घंटी या नंदी घंटी कहे जाते हैं। तो यही ये मैंने ख़रीदा है। ये बहुत बड़ा साइज़ का नहीं है, पर घर के पूजा के लिए बिल्कुल सही साइज़ है, ये मीडियम से थोड़ा बड़ा है, मीडियम से थोड़ा बड़ा है बस। तो ये वाला साइज़ मुझे बहुत सही लगा घर के पूजा के लिए, तो मैंने यही वाला घंटी जो है वो मैंने लिया है, नंदी घंटी है, शिव जी की पूजा के लिए, माँ की पूजा के लिए जो है ये वाला घंटी इस्तेमाल होता है। वैसे सभी पूजा के लिए किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है दूसरे पूजा के लिए नहीं कर सकते हैं, पर विशेषकर जो है ये शिव जी के पूजा के लिए ये घंटी जो है विशेषकर इस्तेमाल होता है, तो ये नंदी घंटी है। इसके बाद जो मैंने ख़रीदा है वो है ये एक दीपक। ये एक दीपक मुझे बहुत पसंद आ गया, असल में जो है ये बड़ा वाला मुझे मिल गया, तो मुझे अचानक देख के पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। वैसे तो हमारे यहाँ पर जैसे कि एक दीपक जो है नहीं दिया जाता, आप लोगों को पता है, पर दीपावली आदि के समय जैसे कि दीपक आदि से कुछ सजाने आदि की ज़रूरत होती है, या फिर जो वरण थाली आदि होते, मतलब कई समय कुछ नियम आदि के लिए घर पर कुछ विशेष पूजा के लिए वो जो धुनो वरण यानी कि धूप वरण थाली आदि सजाए जाते, तो उसमें दीपक लगाए जाते हैं, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर दीपावली आदि के समय दीप सजाने के लिए ये दीपक। एक्चुअल में विषय यही है कि मैंने उतना सोचा नहीं ऐसा कुछ भी, ये दीपक मुझे बहुत अच्छा लग गया तो मैंने ये ले लिया, बड़ा वाला साइज़ का है। इससे भी बड़ा एक था ये, मतलब चार था ये, एक्चुअली तीन नंबर का है, ये तीन नंबर का है, एक था इससे बड़ा, एक था इसके बाद एक था, और इसके बाद एक छोटा वाला था। एक छोटा वाला मेरे पास ऑलरेडी है वैसे, और ये वाला मैंने जो लिया है ये तीन नंबर का है, ये तीन नंबर का साइज़ जो है वो मैंने लिया है। इसके बाद जो है मैंने ख़रीदा है ये देखिए, ये गंगा जल के लिए है, ये देखिए ये गंगा जल के लिए है, ये मैंने गंगा जल के लिए ख़रीदा है, गंगा जल भर के रखने के लिए, केवल गंगा जल या फिर चंदन जल जो होगा ना वो इसमें भर के रखा जा सकता है। बहुत बड़ा वाला साइज़ नहीं है, छोटा साइज़ है, इससे भी छोटा एक था, ये दो नंबर का साइज़ है, इससे भी छोटा एक था, मैंने पहले वो लिया था, पर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ये एक्चुअली बहुत कम दाम में मुझे मिल गया, तो इसलिए मुझे लगा कि यही वाला साइज़ लेते हैं, दो नंबर वाला साइज़ ही लेते हैं। एक नंबर वाला साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था, तो मुझे लगा कि अगर ले ही रहे हैं तो दो नंबर वाला ही लेते हैं, तो यही जो है वो है दो नंबर वाला साइज़ का ये है। और इसके बाद जो मैंने ख़रीदा है ये देखिए, ये एक कलश मैंने ख़रीदा है, ये वाले कलश जो है ना ये पुराने मॉडल का है, ये केवल दो मिले मुझे, ये केवल दो एक दुकान में था, और थोड़ा सा इसमें जो है ना, मतलब बहुत अच्छे उन्होंने बताया मुझे कि दादा इसमें जो है आपको बहुत अच्छी क्वालिटी तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पुराने मॉडल है पहली बात जो है, और ये केवल दो ही बचे हैं, अभी बनता भी नहीं है ये जो है, तो मुझे लगा कि नहीं पुराने मॉडल है तो कम से कम एक ले ही लेते, तो इसलिए कम दाम में भी मिल गया थोड़ा सा, क्योंकि पुराने मॉडल है कोई ले नहीं रहा है इस समय, दो ही उनके पड़े हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ले लीजिए, मुझे कह रहे थे कि दो ही आप ले लीजिए, तो मुझे कहा, मैंने कहा नहीं दो मैं नहीं लूँगा, मैं एक ही लूँगा, तो एक ही मैंने लिया। उन्होंने मुझे कहा ही कि ये वाला जो है बहुत अच्छा वाला नहीं दिखा दे सकते आपको, ये ऑर्डिनरी है, मतलब इसका पीतल जो है ना ये बहुत ज़्यादा
बहुत भारी भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, ऑर्डिनरी पीतल है, और क्योंकि पुराने मॉडल का है तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं एक ले लेते, संग्रह कर लेते हैं। काशी में ये कलश जो है ना ये बहुत प्रचलित था। एक्चुअली मेरे दादी जब जाया करते थे काशी विश्वनाथ मंदिर में, उस समय तो बाबा के मंदिर में एकदम भीतर जाकर अभिषेक आदि करने का बिल्कुल चलन था, गंगा से जल लेकर वो लोग करते थे। तो उस समय उनके ना एक बड़े वाले ऐसे कलश है, वो कलश अभी भी हमारे जहाँ पर जो शिव पूजन होते हैं वहाँ पर वो कलश रखे हुए है, अभी भी है वो कलश। बहुत बड़ा वाला साइज़ है, मतलब शायद 6 या 7 नंबर का होगा, ये तो 2 नंबर का साइज़ है। तो ये वाले कलश मुझे याद था वो वाला, तो जब भी मुझे ये मॉडल मिला तो मुझे लगा कि नहीं ये वाले कलश तो मुझे लेना ही है, इसलिए मैंने ये ले लिया। 2 ही मिले हैं, अगली बार अगर जाएंगे तो शायद ये कलश दिखेगा भी नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि है अभी 2 तो मिल ही गया है तो ले ही लेते हैं। तो यही विषय है। और इसके बाद ये देखिए, ये मैंने 2 ना चंदन के लिए लिए है, चंदन अक्षत आदि रखने के लिए। ये जो है मैंने दुर्गा मंदिर से खरीदा है, जो दुर्गा कुंड दुर्गा मंदिर है ना वहाँ से मैंने ये 2 वाले कटोरी जो है वो मैंने खरीदा है, पीतल का है, एकदम अच्छा, मतलब बहुत भारी भी नहीं है, बहुत हल्का पीतल भी नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सही है। तो ये 2 वाला मैंने खरीदा है। अब जो है मैं आपको सारे के सारे दीपक आदि दिखाता हूँ। ये हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये एक मैंने छोटा सा सप्त दीपक जो है वो खरीदा है। ये छोटा सा सप्त दीपक है, ये वाले एक्चुअली जो है मैं पहले जो है बड़ा वाला खोज रहा था तो मुझे बड़ा वाला नहीं मिल रहा था, तो मैंने छोटा वाला ही पहले एक खरीद लिया। ये छोटा वाला सप्त दीपक जो है वो, और देखने में भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली छोटा है पर बहुत सुंदर है इसकी कारीगरी आदि जो है, तो इसलिए मैंने इसे खरीद लिया दोस्तों। तो ये एक छोटा सा सप्त दीपक है। ये वाला देखिए, ये वाले जो है ये एक धुनची है, ये वहाँ का मॉडल है और ये भी 2 था। ये जो है ना बनारस में हैंडमेड बनता है, मतलब हाथ से बनाए जाने वाली ये जो धुनची है, और ये केवल मात्र मुझे 2 ही मिले, 2 मिले, केवल मात्र 2 थे ये, तो इसलिए जो है मैंने एक जो है ना वो खरीद लिया। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर छेद था तो उन्होंने यहाँ पर जो है कुछ लगा दिया, उन्होंने कहा कि मांझते धोते धोते ये जो चीज़ें हैं ये एकदम ठीक हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इसमें छेद का मतलब क्या होता है कि हैंडमेड जब बनता है ना कोई भी चीज़ तो उसमें थोड़ा सा दाग आदि रहता है, छोटा सा छेद आदि इस प्रकार का रहता है, तो वही इसमें है, इसमें था एक्चुअली, तो उन्होंने वो ठीक कर दिया है। और ये 2 मिले मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं एक मैं आया ही हूँ बनारस तो अगली बार ये सारी चीज़ें मिले ही ना शायद। और बहुत अजीब सी बात है कि इस बार मुझे वही सारी चीज़ें मिले जो कि शायद अगर मैं अगली बार जाऊँ तो मुझे नहीं मिलेगा, और जो कि बहुत यूनिक है। बनारस के पुराने बर्तन आदि शैली के जो है उसी प्रकार की चीज़ें जो है इस बार मुझे मिले, तो इसलिए मैंने देर नहीं की, मुझे जैसे ही मिला, और ज़्यादातर के 2 ही बाकी थे, 2 या 1 ही बाकी थे, तो मैंने खरीद लिया दोस्तों। तो ये हो गया एक, ये जो है धुनुची है। इसे आप कपूर आरती भी कर सकते हैं, जो लोग जैसे कि 3 बाती का दीपक इसमें लगाकर भी आरती की जा सकते हैं, इसमें 3 बाती इस तरह से लगाकर भी आरती की जाती है। ये धूप सेवा आदि के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जैसे कि धूप नैवेद्यम आदि, औषधि नैवेद्यम आदि अगर आप देना चाहते हैं तो धूप नैवेद्यम आदि प्रदान के लिए ये धुनुची जो है ना ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो है मैंने, मुझे मिल गया, बनारस का मॉडल है, हैंडमेड है, तो मैंने ये तुरंत खरीद लिया, देर बिल्कुल नहीं की, देखते ही मैंने खरीद लिया। तो ये हो गया एक। इसे ना मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये सारे ना हटा देता हूँ दोस्तों, नहीं तो क्या होगा मैं दिखा नहीं पाऊँगा दूसरे सारे चीज़ें जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये सारे हो गया। अब जो है ये देखिए, ये है बड़ा वाला सप्त दीपक, ये मैंने खरीदा बड़ा वाला सप्त दीपक। और इस दीपक से जो है 9 बाती के ये ऐसे ही जो मॉडल के जो दीपक होते हैं
उसी से अन्नपूर्णा मंदिर में आरती किए जाते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर में इसके ही 9 बाती वाले दीपक से आरती किए जाते हैं। ये 7 बाती का आखिरी पीस था, मतलब लास्ट पीस यही था। एक दुकान में मैंने पहले, वो लोग मुझे दिखा रहे थे, एक इसका एक 5 बाती वाला था, मतलब ये जो मॉडल है ना इसका ही, यही अभी बहुत कम बनता है, बनता ही नहीं उन्होंने मुझे बताया, जो भी बनता है 5 बाती का कम से कम बनता है, थोड़े बहुत बनते हैं, बहुत कम मात्रा में बनाए जाते थे जाते हैं। तो वो मुझे पहले 2 जो है 5 बाती के इस मॉडल का दिखा रहे थे, और उसके बाद अचानक से मैंने देखा कि एक 7 बाती का भी है, तो मैंने उन्हें बताया कि वो 7 बाती वाला है क्या, तो उन्होंने पहले मुझे कहा कि नहीं 7 बाती आपको नहीं मिलेंगे। मैंने उन्हें 7 बाती के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको नहीं मिलेंगे 7 बाती, 5 बाती के ही लेने होंगे आप अगर इस मॉडल में लेना चाहते। तो अचानक से मेरा नज़र गया तो दुकानदार जो थे उन्होंने कहा कि मैं भी भूल गया था कि 7 बाती का एक लास्ट पीस जो है वो पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे मतलब कहा कि आपके ऊपर बहुत कृपा है माँ की बाबा की, जो 7 बाती वाले शायद आपके लिए ही रखा हुआ था, देखिए मुझे भी याद नहीं है, आपका नज़र वहाँ पर चला गया और आपको ये मिल गया। तो मुझे इतना खुशी हुई ये बात सुनकर जो है, और लास्ट पीस था ये, लास्ट पीस है मतलब और नहीं था 7 बाती का, ये नहीं था। और पूरे बनारस में उसके बाद मैंने जब देखे तो ये वाले पीस 5 के इसके कई सारे मिले हैं, पर 7 बाती का और एक भी पीस नहीं मिला और कहीं पर भी। ये लास्ट वाला पीस था जिस दुकान में मैंने ख़रीदा है, पहले मुझे ये नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने ये छोटा वाला 7 दीपक खरीद लिया था, और उसके बाद जो है ये वाला जब मुझे मिला तो मुझे सच में इतना खुशी हुई, इतना खुशी हुई दोस्तों मैं बता नहीं सकता। और अन्नपूर्णा मंदिर में इसी दीपक से जो है, इस मॉडल के दीपक से ही जो है आरती किए जाते हैं। आप लोग देखेंगे छवि आदि में भी, जो माँ अन्नपूर्णा मंदिर के आरती आदि की छवि है उसमें भी ये वाले मॉडल के दीपक जो है वो दिख रहे होंगे। तो ये हो जाता है सप्त दीपक, 7 बाती वाला ये दीपक जो है। माँ के मंदिर में असल में 9 बाती से ज़्यादा आरती होती है, 7 बाती से भी आरती शायद सुबह के समय किए जाते हैं जो मंगल आरती होती है। पर मैंने जो आरती देखा है, मैं शयन आरती देख रहा था माँ की, तो उसमें जो है 9 बाती से आरती किए जा रहे थे। मुझे 7 बाती ही चाहिए था तो मुझे 7 बाती के आखिरी पीस मिल गया, माँ की आशीष कृपा है। और ये जो है ये भगवान शिव के जो सप्त ऋषि आरती किए जाते हैं ना, भगवान शिव के सप्त ऋषि आरती में यही पंच दीपक जो है जलाकर आरती किए जाते हैं। ये वाला मॉडल मुझे मिला, इसके वैसे ये पीस जो है 5 पीस थे, मतलब इसके और भी बाकी 5 पीस थे इसे लेकर एक्चुअली 5 पीस, मतलब टोटल 5 पीस थे। तो इसमें से मुझे ये पसंद आ गया और ये मैंने ऑलरेडी तब खरीद लिया था, पर इसके बाद जब मैंने ये सुना कि बाबा के मंदिर में जो है आरती होती है, और एक्चुअली मैंने देखा भी था क्योंकि सप्तऋषि आरती मैंने कई बार जो है उसका वीडियो आदि देखा है, तो उसमें मैंने देखा भी है कि बाबा की आरती जो है, सप्तऋषि आरती जो है वो इस मॉडल के दीपक से होती है। तो जब मुझे ये मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि माँ की जो मंदिर में आरती होती है जिस मॉडल की दीपक से, मतलब आरती के दीपक से, वो भी मुझे मिल गया, और बाबा के जो सप्तऋषि आरती होते वो वाला मॉडल भी मुझे मिल रहा है। तो मैंने बिना कुछ सोचे जो है मैंने ये वाला भी खरीद लिया। तो यही विषय है दीपक जो है, मुझे ये दोनों वाले मॉडल मुझे मिला, और मुझे इतना सच बताओ मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी ये मैं दीपक को देखकर जो है ना बार बार मुझे मैं बार बार मैं दीपकों को बार बार देख रहा हूँ। तो मुझे घर वाले भी बोल रहे हैं कि क्या है इस दीपक को बार बार देख रहे हो। तो एक्चुअली मैं समझा नहीं सकता उन्हें कि सच में मुझे कितनी, मतलब ये दोनों दीपक मिलने से मुझे सच में कितनी खुशी हुई है। बाकी सारे अगर नहीं भी मिलते तो भी शायद इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर ये दोनों दीपक मुझे जो मिले ना, इससे जो है मतलब ये एक बहुत ही अनोखी खुशी है कि माँ के मंदिर में, माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में जिस दीपक से आरती होती है वही वाला, और बाबा के जो सप्तऋषि आरती के जो दीपक है वो वाला मिला है। ये सच में देखिए इसका कितना सुंदर है, मतलब पूरा एकदम सॉलिड पीतल का बना हुआ है, ये वाले जो है एकदम पूरा सॉलिड पीतल का बना हुआ है, और ये इसमें नाग भी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मॉडल है इसका दोस्तों। ये देखिए ये एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बहुत सुंदर है और भारी है, काफ़ी भारी भी है, ये वाला भी काफ़ी भारी है, पर इससे ये और भी ज़्यादा भारी है, ये वाला भी भारी में ही है, ये वाला भी एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। ये 7 वाले बाती है,
ये वाले पे। इसका हैंडल जो है ना ये भी काफ़ी लंबा है, इसका भी हैंडल काफ़ी लंबा है, इसका भी हैंडल काफ़ी लंबा है, तो दोनों ही जो है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है मतलब जो है, तो ये हो जाता है। इसके बाद मैंने दो ये सिंदूरी खरीदे हैं, ये जो है क्योंकि हमारे लक्ष्मी पूजा आदि में इस्तेमाल होते हैं, तो ये वाले मुझे बनारस के जो सिंदूरी जो है वो लाल में मुझे लेना था, दूसरे वाले जो मतलब कारीगरी आदि थे जो नक्काशी आदि थे उसमें मुझे नहीं लेना था, मुझे ये लाल सिंपल वाले ही लेने थे। ये वाले मॉडल जो है ये वाली, ये गोल वाले मॉडल हमारे इस तरफ तो वैसे बहुत मिलते हैं, पर ये गोल वाली ये चीज़ है ना मैंने बनारस में ही देखा है, ये हमारे इस तरफ उतना नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलता है, पहले बहुत मिलता था पर अभी जो है ये वाला उतना नहीं मिलता है। तो ये वाले जो है मैंने दो खरीद लिया है क्योंकि दीपावली पूजन आदि के लिए ये ज़रूरी है हमारे यहाँ पर, तो इसलिए मुझे लगा कि ये दो जो है खरीद लेते हैं और अच्छा भी है मतलब। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ जिस दुकान से मैंने खरीदा है ना लाल वाले जो है यही दो थे केवल मात्र, और बाकी जो भी सारे थे ना उसमें मतलब नक्काशी आदि किए हुए थे, लाल वाले दो उस समय के लिए, शायद बाद में आ जाएंगे उनके जो प्रोडक्ट है मतलब ये वाले जो है वो शायद बाद में आ जाएंगे, पर लास्ट जो है लाल वाले इसमें इस मॉडल में जो है उस समय उस दुकान में जो है यही दो थे लास्ट जो है, तो इसलिए जो है मैंने ये दो का अब एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं ये ख़रीदारी आदि कर रहा था, जब से मैंने खासकर ये पहला वाला ये सप्तदीपक मुझे मिला, सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ जो है ना माँ और बाबा जो है वो सच में मुझे खुद जो है वो सहायता कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को पाने के लिए, इन सारी चीज़ों को खोजने के, खोज कर वो खुद दे रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं जैसे कि यही पर है तुम इसे लो, इस प्रकार का एक मतलब ये ना ऐसे विषय भाषाओं में नहीं बताया जा सकती दोस्तों, ऐसे आनंद जो है केवल महसूस किए जा सकते हैं। तो ये दो सिंदूरी भी मैंने लिए हैं, ये अन्नपूर्णा पूजा में, देवी पूजा में और लक्ष्मी पूजा आदि में, खासकर लक्ष्मी पूजा में, दीपावली की लक्ष्मी पूजा में खासकर क्योंकि इस्तेमाल होती है तो इसीलिए मैंने लिया है, बाकी पूजा में भी इस्तेमाल किए ही जा सकते। और किताब मुझे कुछ ख़रीदने का, एक भाई ने मुझे पूछा कि दादा आपने क्या क्या किताब खरीदे क्योंकि आप बनारस से तो काफ़ी सारे किताब आदि मंगवाते हैं, तो किताब मंगवाते तो है पर वहाँ पर दर्शन आदि करके और थोड़ा इधर उधर जाने से किताब खरीदने का उस प्रकार से पहली बात तो मौका मिला नहीं, और मैंने उतना भी ध्यान नहीं दिया था इस बार किताब खरीदने के ऊपर जो है, और ये दोनों मिलने से मुझे इतना आनंद हुआ कि मुझे और किसी विषय के ऊपर खरीदारी आदि के ऊपर उतना ध्यान नहीं था असल में जो है, और किताब के ऊपर मैंने उतना बहुत कुछ प्लान भी नहीं किया था कि किताब ये वो खरीदूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऑलरेडी मंगवा लिए हैं तो उसके कुछ नहीं खरीदा, पर रामकृष्ण मिशन गए थे वहाँ पर तो ये दो वाले अच्छे किताब मुझे मिल गए, एक जो है ये देखिए श्री राम नाम संकीर्तन की कहानी जो कि रामकृष्ण मठ में हर एकादशी में प्रचलित है उसके विषय में ये है, और ये श्री रामकृष्ण संघ का होमकुंड वरानगर मठ, यानी कि वरानगर मठ जो है सबसे पहला श्री रामकृष्ण मठ है जहाँ पर जो है मठ की शुरुआत हुई थी, तो उसके बारे में ये है। ये दोनों हिंदी में है, आप जो लोग बनारस में रहते हैं या फिर हिंदी पढ़ सकते हैं, आपके आसपास कोई रामकृष्ण मठ या मिशन है वहाँ पर जाकर ये दो ग्रंथ जो है आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे वाले हैं ये जो दो ग्रंथ। तो मैं रामकृष्ण मठ में गया वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे ये दो किताब जो है मुझे अच्छे लगे तो वही मैंने खरीद ली है, बाकी और कुछ किताब मैंने नहीं खरीदे हैं दोस्तों, बस ये दो ही जो है मैंने खरीदे हैं, और दूसरे वाले किताब आदि के उस तरफ मैं उस तरह से गया भी नहीं पहली बात जो है, तो इसलिए खरीदने के विषय नहीं है। दूसरे कई सारे कई लोगों से मिलना आदि इस प्रकार का भी विषय था इस बार, तो इसलिए जो है मैं अलग से जो है किताब आदि खरीदने पर नहीं गया। तो यही था मेरा बनारस का जो शॉपिंग बोल सकते हैं आप, या फिर बनारस से खरीदी हुई चीज़ें जो हैं। तो कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें देखकर, देखिए सभी चीज़ें जो है मुझे बहुत यूनिक मिले, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि इस बार जो है जो भी सारे पीसेस मुझे मिले वो सारे एक या दो पीसेस ही केवल मात्र बाकी थे, और इसीलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा किसी भी पीसेस को लेने के लिए,
मेरे पास मैं जितना हिसाब करके गया था, वैसे तो मैंने मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं जो है ऐसा कुछ खरीदूंगा या फिर ऐसा कुछ, बस देख रहा था कि अगर अच्छे वाले आरती के दीपक मिलते हैं तो मैं खरीदूंगा। धुनु जी तो वैसे देखिए हमारे इस तरफ भी, हमारे यहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और ये वाले जैसे कि मुझे धूप नैवेद्यम के लिए बहुत अच्छा लगा, और अलग से कुछ धुनु जी का जो हमारे यहाँ पर मॉडल वही वहाँ पर दिखा, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं खरीदा है इस बार और कुछ, बस यही वाला एक खरीदा है। दीपक जो है इस बार खासकर दीपक जो है मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए हैं दोस्तों, और यही मुझे बहुत मतलब बहुत खुशी है मुझे कि बाबा की आरती के दीपक, माँ के आरती के दीपक दोनों एक साथ मिल गए हैं, बाबा और माँ के आशीष जो है ना एक साथ मिल गए हैं, और उनका आरती इसी तरह से कर पाऊँ, उनकी धूप सेवा रात्रिक करूँ जीवन भर जो है, यही बस प्रार्थना है, और कुछ चाहिए ही नहीं, और क्या चाहिए। बाबा और माँ की आरती करते रहे, उनके धूप सेवा पूजन आदि करते कर सके अगर जीवन भर, तो इससे बढ़कर सच में और कोई सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकता। तो ये वीडियो आप लोगों ने बहुत बार मुझे कहा है, बहुत सारे लोगों ने मेल किया है मुझे कि दादा बनारस से क्या क्या खरीदा है, आपने वीडियो नहीं बनाया अब तक, तो ये था वीडियो। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये देखिए मैं थोड़ा आप लोगों को साइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पूरा देखने को मिले। तो ये वाला कैसे लगा आपको, ये गरुड़ घंटी, ये जो है धुनु जी है वहाँ का, ये जो है सप्त दीपक है, ये बाबा के सप्त आरती सप्त ऋषि आरती के पंच दीपक हैं, ये जो एक छोटा सा सप्त दीपक है, ये गंगा जल की है, ये जो है पुराने मॉडल का कलश है, और ये जो है दीपक है, ये जो है दो कटोरी है, और ये जो दो है दो सिंदूरी है, और ये दो किताब तो मैंने आपको दिखाया ही है। तो ये ख़रीदारी जो मैंने किए है वो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स करके या फिर जो है मेल करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो, और एक बात ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा चीज़ जो है या कौन सा एक या दो चीज़ जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने जो ख़रीदा है उसमें से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा एक या दो चीज़ कौन सा लगा है आप मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो ये वीडियो जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप लोगों का कमेंट्स जो है वो ज़रूर चाहिए, आप लोग ज़रूर बताएगा कि कौन सा आप लोगों को सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।